जनधन एकत्रित कर बनाए गए बाल चिकित्सालय का जिला प्रशासन द्वारा जीर्णोद्वार किया जा रहा है। बहुत सारी सुविधाओं को बढ़ाकर नवीन स्वरूप में दिया जा रहा है। अस्पताल प्रभारी डिप्टी कलेक्टर शिराली जैन ने सुबह बाल चिकित्सालय पहुंचकर किए जा रहे जीर्णोद्वार कार्य का अवलोकन किया। बाल चिकित्सालय के जीर्णोद्वार कार्य में हो रही लेट लतीफी को लेकर किए गए निरीक्षण में ठेकेदार की टीम बढ़ाकर समय सीमा में काम पूरा करने के निर्देश दिए गए। बाल चिकित्सालय का जीपीओ रोड वाले मुख्य प्रवेश द्वार को बंद करने से आक्रोश मुखर हुआ है। सोशल मीडिया के माध्यम से आम जन ने कलेक्टर को शिकायत भेजकर मुख्य प्रवेश द्वार बंद नहीं करने की मांग की थी। मुख्य प्रवेश द्वार पर दीवार बनाकर सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान भी उक्त समस्या की भी शिकायत की गई। सुश्री शिराली जैन ने मुख्य द्वार बंद नहीं करने की बात कही। शिकायतकर्ता दीपक डोशी ने बताया, मैडम से निवेदन किया था कि बाल चिकित्सालय के मेन एंट्रेंस पे जो दीवार खड़ी करके जो लुक दिया जा रहा है उसके कारण एम्बुलेंस वगैरह को और पेशेंट को आने जाने में परेशानी होगी और साइड से रास्ता देने से प्याव होने के कारण और ज़्यादा परेशानी होगी। तो मैडम ने उस बात को स्वीकार किया और अपनी सहमति दे दी कि साइड की दीवार हटा के बीच का लोकेशन लुक देने के लिए दे दिया जाएगा और इस साइड की दीवार हटा दी जाएगी। मैडम को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डिप्टी कलेक्टर शिराली जैन ने एएन टाइम्स से चर्चा करते हुए बताया, बाल चिकित्सालय का कलेक्टर महोदय के मार्गदर्शन में यहाँ पे रिनोवेशन का कार्य चल रहा है, तो उसी के संबंध में यहाँ पर आज पूरा विजिट किया गया है। नहीं, इसमें बारिश के कारण ठेकेदार का बोलना है कि काम थोड़ा डीले हो गया है, लेकिन हमको हिदायत दी गई है कि अगले 4-5 दिन में हमको कम से कम हॉस्पिटल की अंदर की जो बिल्डिंग एरिया है वो पूरा हैंड ओवर हो जाए, तो उसके लिए उन्होंने अपनी टीम बढ़ा के काम करवा रहे हैं। नहीं, बंद नहीं किया जा रहा है, उसका फ्रंट एलिवेशन थोड़ा सा चेंज हो रहा है, तो उसको उनको बता दिया है कि किसी भी मरीज को आने में कोई समस्या नहीं हो, उस अकॉर्डिंग एलिवेशन चेंज कर रहे हैं। मदर चाइल्ड यूनिट MCH में भर्ती मरीजों के परिजनों से पैसे मांगने का आरोप लगा है। बताया जाता है कि वार्ड में सफाई स्वास्थ्य कर्मी द्वारा पैसे देने का दबाव परिजनों पर बनाकर अभद्रता की जा रही है। शुक्रवार को अस्पताल प्रभारी डिप्टी कलेक्टर सुश्री शिराली जैन बाल चिकित्सालय का अवलोकन करने पहुंची, तो परिजन शिकायतकर्ता भी पहुंचे और पैसे मांगने की शिकायत की। शिकायतकर्ता ने मीडिया को बताया, मतलब हमारा जिला अस्पताल में एडमिट है और जो है तो अनलीगल तरीके से साफ सफाई करने वाली आया मैडम पैसे मांग रही है, पूरे वार्ड में से पैसे उगा रही है महिलाओं से दादागिरी पूर्वक। मेरे से भी पैसा लेने के लिए मेरे पे 3 दिन हो गए दबाव बना रही है। जब मैंने कहा कि आप किस बात का पैसा ले रहे हो तो वह अभद्र तरीके से बात करती है। तो आज कलेक्टर मैडम यहाँ आए हुए थे हॉस्पिटल में और मैं यही था, मैंने कहा आप शिकायत कर देता हूँ, तो देखते हैं आगे क्या कार्रवाई होती है क्या नहीं होता है। कितने पैसे मांगे गए थे? मुझसे 200 रुपये मांगे गए थे, 3 दिन हो गए, लेकिन मैंने किस बात के दूं जब यहाँ पे वो चीज़ है ही नहीं, अनलीगल तरीके से पूरे वार्ड में से उगा रहे हैं। एक तो मैं अपनी खुशी से दूं वो बात अलग है, जब सब कुछ सही हो जाता है हमारा तो हम खुशी से भी दे सकते हैं, लेकिन वो हमारा बालक ICU में भर्ती है और बीच में वो दबाव बनाए जा रहे हैं तो फिर कोई अनलीगल पैसे लेने का मतलब नहीं बनता। इस मामले में डिप्टी कलेक्टर शिराली जैन ने कहा, शिकायत मिली है, जांच कर कार्रवाई के लिए कहा है। अभी शिकायत प्राप्त हुई है, संदर्भ में यहाँ की कंसर्निंग एजेंसी को बता दिया है कि चेक करें वो कौन व्यक्ति है, यदि मांग रहे हैं रुपए सच है शिकायत तो उनको तत्काल प्रभाव से यहाँ पर उन पर कार्रवाई करके उनको अन्यत्र शिफ्ट किया जाए या हटाया जाए। बुद्धेश्वर रोड स्थित शांति निकेतन इंस्टीट्यूट के प्रबंधक और नामली भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं सांसद प्रतिनिधि बाबूलाल कर्णधार के बेटे राजेश पर BEd कर रही छात्रा के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगा है। छात्रा के पति के दोस्तों ने प्रबंधक राजेश कर्णधार को पकड़कर मारते हुए जुलूस बनाकर दीनदयाल नगर थाने ले गए। छात्रा और उसके पति ने थाने पर शिकायत में घटनाक्रम की जानकारी देते हुए पुलिस को बताया, परीक्षा के लिए डॉक्यूमेंट जमा करवाने रविवार को पत्नी आई थी, प्रबंधक राजेश कर्णधार ने छेड़छाड़ की, घबराई पत्नी के हाथ से डॉक्यूमेंट छूट गए, वह जाने लगी तो राजेश ने मोबाइल फोन और कागजात उठा कर दिए और हाथ पकड़ कर धमकाया कि घर पर बताया तो अच्छा नहीं होगा। उसके बाद पत्नी कॉलेज से चली गई, घर आकर देखा तो कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले। गुरुवार को महिला छात्रा दस्तावेज लेने के लिए देवर के साथ कॉलेज गई तो प्रबंधक राजेश ने दोबारा छेड़छाड़ की। आरोपी राजेश का कहना है कि छेड़छाड़ जैसी घटना नहीं हुई है, रविवार को शेष फीस जमा करने को कहा था, इसके बाद पति ने फोन लगाकर धमकाया,
20-25 लोग आए मारपीट की, जिसे सिर और आंख में चोट आई है। मामले की जानकारी मिलते ही भाजपा नेता थाने पहुंचे और रात करीब समझौते को लेकर चर्चाएं चलती रही। इसी बीच कुछ वरिष्ठ नेताओं के फोन भी पहुंचे थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दीनदयाल नगर थाना प्रभारी अशोक ननामा ने बताया, राजेश के खिलाफ छेड़छाड़ की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। आरोपी प्रबंधक थाने में बैठा रहा, लेकिन थाना प्रभारी ने मीडिया को आरोपी की तलाश करना बता दिया। आज थाने के महिला द्वारा आकर रिपोर्ट की है कि उनके साथ शांति निकेतन इंस्टीट्यूट है, जहां पे वो बीएड की पढ़ाई कर रही है, और वहां पे उनके साथ में घटना घटित हुई है, जिस पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है और विवेचना जारी है। किस धारा में अपराध पंजीबद्ध किया और किसके खिलाफ किया है, क्या आरोपी गिरफ्तार हुआ है या नहीं? ये इस जो शांति निकेतन इंस्टीट्यूट है, वहाँ के प्रबंधक हैं राजेश जी, उनके खिलाफ कायमी की है और इसमें भी विवेचना जारी है। जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और धारा 354 के तहत मुकदमा कायम किया गया है। आरोपी की कोई राजनीतिक प्रस्तुति बताई जा रही है? इस बारे में अभी जांच की जा रही है, जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई। आरोपी के साथ भी मारपीट हुई है, उधर भी मुकदमा दर्ज हो रहा है। आरोपी के इससे अभी अगर उसके द्वारा सामने वाले पक्ष द्वारा उसके साथ घटना घटित की गई तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है? अभी तलाश की जा रही थी। प्रदेश के औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के प्रमुख सचिव संजय शुक्ला ने रतलाम में बनने वाले विशेष औद्योगिक निवेश क्षेत्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण में विधायक चैतन्य काश्यप भी साथ रहे। यह निवेश क्षेत्र 1542 हेक्टेयर शासकीय भूमि पर ही विकसित किया जाएगा। विधायक के अनुसार निवेश क्षेत्र के लिए कोई भी निजी कृषि भूमि अधिग्रहित नहीं की जाएगी। विधायक श्री काश्यप ने बताया कि रतलाम निवेश क्षेत्र की योजना वर्ष 2014 में ही तैयार की गई थी। तब यह दिल्ली मुंबई रेलवे फ्रेट कॉरिडोर से संबंधित थी। वर्तमान में दिल्ली मुंबई के बीच बन रहे 8 लेन एक्सप्रेसवे से इसकी प्रासंगिकता और बढ़ गई है। इसलिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 5 फरवरी को रतलाम प्रवास के दौरान इस प्रदेश के दूसरे बड़े निवेश क्षेत्र को विकसित करने की घोषणा की। विशेष निवेश क्षेत्र के लिए 1542 हेक्टेयर शासकीय भूमि उद्योग विभाग को आवंटित की जा चुकी है। प्रमुख सचिव श्री शुक्ला व विधायक श्री काश्यप ने कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम, एसपी गौरव तिवारी, औद्योगिक विकास निगम के कार्यकारी संचालक रोहन सक्सेना, मुख्य प्रबंधक आर के भवर के साथ रतलाम के ग्राम बिबड़ोत इत्यादि में पहुंचकर निवेश क्षेत्र का जायजा लिया। प्रमुख सचिव श्री शुक्ला ने रतलाम में विशेष निवेश क्षेत्र का जायजा लेने के बाद ग्राम करमदी में नमकीन क्लस्टर की इकाइयों का निरीक्षण भी किया। उन्होंने यहाँ स्थानीय उद्योगपतियों और गणमान्य व्यक्तियों से चर्चा भी की। आज MPIDC के MD व मध्य प्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव श्री संजय शुक्ला जी रतलाम आए थे। उनके साथ में बिबड़ोत क्षेत्र में जो एक औद्योगिक निवेश क्षेत्र बनने जा रहा है उसका निरीक्षण किया गया और उन्होंने उस जगह को बड़ा उपयुक्त माना व उन्होंने विश्वास जताया कि यह जगह के ऊपर देश के अभी कई उद्योगपतियों की लगातार मध्य प्रदेश की ओर आने की आकांक्षाएं बन रही है और इसलिए यह औद्योगिक क्षेत्र या निवेश क्षेत्र जिसमें लॉजिस्टिक हब, उद्योग भी व अन्य सुविधाओं के लिए एक अच्छा उपयुक्त स्थान है, रतलाम शहर से लगा हुआ भी है और हम इसको बहुत जल्द विकसित करेंगे और इसी के क्रम में वे यहाँ पर आज दौरा करने आए थे। और निश्चित रूप से आज यह भी निश्चित हुआ कि इसके अंदर 1450 हेक्टेयर जमीन राज्य सरकार की है, तो ये निवेश क्षेत्र राज्य सरकार की भूमि पर ही विकसित किया जाएगा, किसी भी निजी भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जाएगा या अनावश्यक कोई भी उस क्षेत्र में रहने वाले हमारे बंधु निश्चिंत रहे कि किसी की भूमि का कोई अधिग्रहण नहीं होगा। और यह रतलाम के लिए एक ऐसा केंद्र बनेगा जो मध्य प्रदेश में रतलाम के नाम को, आज से जो 70 साल पहले रतलाम मालवा का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र था, एक वापस से उसी के तरह से रतलाम का नाम पूरे मध्य प्रदेश के अंदर एक बड़े औद्योगिक केंद्र के रूप में बने। 8 लेन एक्सप्रेसवे की निकटता, रेलवे की निकटता,
वह हाल ही में मेरे ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हमारे अभी उड्डयन मंत्री हैं केंद्र के, उनका पत्र भी आज प्राप्त हुआ है और उन्होंने कहा कि हमने एयरलाइन से चर्चा करना प्रारंभ करी है कि क्षेत्रीय उड़ानों की जो एक श्रृंखला देश में बना रहे हैं उसके अंदर ये वे उड़ान के लिए यहाँ पर अध्ययन करें और रतलाम को हवाई यात्रा से भी जोड़ने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो रेल से, रोड से व हवाई यात्रा से तीनों संपर्कों के माध्यम से वह जमीन की शासकीय भूमि की उपलब्धता, इन सारे माध्यम से हम रतलाम को एक प्रमुख व्यावसायिक औद्योगिक केंद्र बनाने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश पश्चिम विद्युत वितरण कंपनी मेंटेनेंस के कितने ही दावे करे, खोखले ही साबित हो रहे हैं। मोटी राशि के विद्युत बिल देने के बाद भी विद्युत कंपनी उपभोक्ताओं को सेवा नहीं दे पा रही है। करमदी में आंगनवाड़ी केंद्र के पास ही विद्युत डीपी लगी होने से खतरा मंडरा रहा है। समीप ही विद्युत पोल पर खुले तार लटक रहे हैं जो बच्चों और ग्रामीणों के लिए हादसे का कारण बन सकता है, लेकिन ऐसी लापरवाही को लेकर विद्युत कर्मी बेपरवाह बने रहते हैं। बड़ावदा के एक युवक ने जावरा के एक व्यापारी की बेटी के आपत्तिजनक फोटो वायरल करने की धमकी देकर ना सिर्फ दुष्कर्म किया बल्कि दो साल में उससे करीब 1,35,00,000 रुपए, 3.5 किलो सोने और 15 किलो चांदी की ज्वेलरी हत्या ली। पीड़िता के आवेदन पर जावरा सिटी पुलिस ने आरोपी और उसके साथियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में FIR दर्ज की है। 25 वर्षीय पीड़िता ने पुलिस को बताया कि वह MBA की पढ़ाई के लिए इंदौर गई थी। वहाँ निशीत बाफना नाम के शख्स से दोस्ती हो गई। मार्च 2019 में निशीत ने घर में अकेला पाकर आपत्तिजनक फोटो ले लिए। वह इसके बाद लगातार उसे ब्लैकमेल करता रहा। बदनामी के डर से उसने घर की तिजोरी में रखे रुपये और हमारे पुश्तैनी आभूषण उसे देना शुरू कर दिए। रुपये और आभूषण निशीत व उसके दोस्तों ने मिलकर लिए। कई बार फोन पे से तथा अन्य माध्यम से उसके एक्सिस बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की शाखाओं में लाखों रुपए जमा भी करवाए। जावरा सिटी थाना महिला डेस्क प्रभारी ने मीडिया को बताया। कल पीड़िता ने थाना जावरा शहर पर आवेदन प्रस्तुत किया था। उस आवेदन के आधार पर उसने बताया था कि उसके एक मित्र द्वारा धोखाधड़ी करके वो यहाँ पे आया, कुछ नशीला पदार्थ देकर उसके साथ दुष्कर्म किया, उसने खोटा काम किया और उस समय जावरा में ही उसने उसके कुछ आपत्तिजनक फ़ोटोज़ ले लिए। उन फ़ोटोज़ के आधार पर उसने अभी तक उससे 2019 से अभी तक काफ़ी कुछ पैसे, ज्वेलरी और काफ़ी कुछ ऐंठ चुका है उन फ़ोटोज़ के आधार पर ब्लैकमेल कर करके, जिसमें उसने करीब 3 किलो 500 ग्राम सोना, 15 किलो चांदी और युक्ति के बयान के आधार पर करीब 1,35,00,000 रुपये उससे ऐंठ चुका है। मतलब ये आरोपी इनमें किन धाराओं में जावरा शहर मामला दर्ज किया? धारा 450, 376 2N, 385 और 506 IPC के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है। ये युवक की मैडम युवती से कहाँ जान पहचान है? इसकी पहचान के दोस्तों के माध्यम से इंदौर में ही जान पहचान हुई थी। लड़की इंदौर में पढ़ाई करती थी। युवक मैडम कहाँ का रहने वाला? ये लड़का बड़ावदा का रहने वाला। इसमें जो इस लड़की को पता था क्या कि मतलब शादीशुदा है या? पहले इनकी दोस्ती हुई थी जब इनसे पता नहीं था, बाद में इसको पता चला कि शादीशुदा है। अभी पुलिस प्रशासन द्वारा प्राथमिकता क्या कर रहे हैं? अभी दबिश टीम गठित की गई है, दबिश दी गई, जल्दी जल्दी आरोपी को राउंड अप कर लिया जाएगा।